हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ जंपिंग इवेंट, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट यानी बास्कुट आता है। इन चारों इवेंट के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से लेके आई हूँ, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी वीडियोज, एमसीक्यूज वीडियोज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज वीडियोज सभी बने हुए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ें टॉपिक वाइज देखिए, तभी आपको विश्वास होगा। तो टाइम नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के जंपिंग इवेंट के सभी इवेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई जंप, ऊंची कूद से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की माप कितनी होती है दोस्तों? तो वो होता है आपका 5×3 मीटर। एंड हाई जंप में जो क्रॉस बार होता है उसका वजन कितना होता है? तो क्रॉस बार का वजन होता है 2 kg। एंड हाई जंप में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों, जो लैंडिंग एरिया होती है 5×3 मीटर का होता है और 60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। नेक्स्ट है, क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो क्रॉस बार जो होता है 4 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट है, जंप के कितने प्रकार हैं दोस्तों? हाई जंप में तो 5 प्रकार के जंप है, जिसमें से मैंने 4 प्रकार के जंप आपको कराए भी हैं, यानी कि उस वीडियो में। एंड थ्रोइंग जो जंपिंग टेक्निक है, जंपिंग एंड थ्रोइंग टेक्निक इवेंट वाले हम वीडियो में सभी के टेक्निक के बारे में बताए हैं। तो जो हाई जंप होता है उसमें 5 प्रकार के टेक्निक होते हैं। कौन कौन से? जैसे सीजर, सैली एंड वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल, फास्वरी फ्लॉप एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट, पूरे अटेम्प्ट के बाद ऊंची कूद में कम से कम कितनी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है? तो पूरे अटेम्प्ट के बाद ऊंची कूद में कम से कम 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है, और जो बांस कूद होता है पोल वॉल्ट में उसमें 5 सेंटीमीटर बढ़ाई जा सकती है। ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दोनों अपराइट यानी जो पोल होता है उसके बीच दूरी कितनी होती है? तो 4 मीटर, जो इसलिए क्रॉस बार की भी जो लंबाई होती है 4 दशमलव कुछ होता है। नेक्स्ट है, हाई जंप में क्रॉस बार के सिरे जिनका आकार चौकोर होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर व 2.9 से 3.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, हाई जंप में तकनीकें कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 5 प्रकार की तकनीक होती है हाई जंप में दोस्तों? तो इसमें होता है स्टैन रोल एंड वेस्टर्न रोल, स्टेडर रोल, सीजर्स स्टाइल, फास्वरी फ्लॉप। जो फास्वरी फ्लॉप है उससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर बार। यह आधुनिक शैली है, यानी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यह प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज किया था फास्वरी फ्लॉप शैली की डिक फास्वरी ने, अमेरिका का था वो। इन्होंने इसका प्रदर्शन जो है फास्वरी फ्लॉप की डिक फास्वरी ने किया था 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में किया था। इसमें तिरछा रन होता है जिसमें जंपर की पीठ जो है कंधों से पहले क्रॉस बार को पार करती है। नेक्स्ट है, ऊंची कूद व बांस कूद में टाई हेतु प्रथम दोनों नियम लगने के बावजूद टाई बने रहे तो इसका निवारण का आधार क्या होता है? तो इसका निवारण का आधार होता है ऊंची कूद के लिए 2 सेंटीमीटर, बांस कूद यानी पोल वॉल्ट के लिए 5 सेंटीमीटर क्रॉस बार को ऊपर किया जाता है। कितना? हाई जंप यानी ऊंची कूद में 2 सेंटीमीटर और बांस कूद यानी पोल वॉल्ट में 5 सेंटीमीटर। ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए तो परिणाम निकाला जाता है? तो इसमें लास्ट अटेम्प्ट एट टाई हाइट देन नंबर ऑफ फेलियर के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है, अगर हाई जंप में प्रतिनिधियों की संख्या 8 या 8 से कम है तो उनको कितने ट्रायल दिए जाएंगे? तो 6 ट्रायल दिए जाएंगे। 8 या 8 से कम है तो, अधिक है तो 3 ट्रायल दिए जाएंगे। ये तो था आपका हाई जंप के बारे में, ऊंची कूद। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप से रिलेटेड
क्वेश्चन की। नेक्स्ट दोस्तों, हिच किक नामक टेक्निक प्रयोग की जाती है किसमें, तो लॉन्ग जंप में हिचकिक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लॉन्ग जंप में और कौन कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, इसमें हैंग स्टाइल, हिचकिक टेक्निक जिसे साइकिलिंग विधि भी बोलते हैं, एंड सेल स्टाइल, इन तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है लॉन्ग जंप में। नेक्स्ट है, लॉन्ग जंप में प्रयोग की जाने वाली टेक्निक क्या है, तो हैंग स्टाइल। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सेल स्टाइल नामक तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो लॉन्ग जंप में। नेक्स्ट है, लंबी कूद में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय किस आधार पर होगा दोस्तों, तो इसमें होगा नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर। नेक्स्ट दोस्तों, प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का प्रयोग जो होता है वह लॉन्ग जंप में किया जाता है, ठीक है, लॉन्ग जंप में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप दोनों दिया है दोस्तों, कन्फ्यूजन है। लॉन्ग जंप पे किया जाता है अक्सर प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का, इसको थोड़ा आप लोग भी सर्च करके क्लियर कीजिएगा, लेकिन सही है लॉन्ग जंप में किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड की चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, तो यह 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 7 से 10 एमएम यानी मिलीमीटर में वो ऊंचा होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का स्लोप कोण कितना होता है, कितने पर झुका रहता है, तो 30 अंश पर लॉन्ग जंप में। नेक्स्ट है, लॉन्ग जंप में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, तो इसमें रनवे होता है 1.22 से 1.25 मीटर रनवे की चौड़ाई होती है। एंड रनवे की लॉन्ग जंप में लंबाई कितनी होती है, तो 40 से 45 मीटर होती है, 40 से 45 मीटर। याद रखिए दोस्तों, लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप दोनों में जो रनवे होता है 40 से 45 मीटर होता है, जबकि हाई जंप में जो रनवे होता है वो 15 से 18 या 20 मीटर का होता है। नेक्स्ट है, लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, तो लैंडिंग एरिया जो होता है 2.75 से 3 मीटर तक होता है और उसकी लंबाई होती है 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर लंबाई होती है, 2.75 आपका चौड़ाई होता है। नेक्स्ट है, लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है, तो टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होता है, जबकि प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, लॉन्ग जंप में रनवे में खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा कितना मार्क लगा सकता है, तो केवल 2 मार्क लगा सकता है। अब बात करते हैं ट्रिपल जंप यानी कि त्रिकूद के बारे में। नेक्स्ट है, हाफ स्टेप एंड जंप किस स्पर्धा से संबंधित है, तो तिहरी कूद जिसे ट्रिपल जंप बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हाफ होता है फिर स्टेप होता है फिर जंप, तीन प्रक्रिया होता है, इसलिए इसको तिहरी कूद ट्रिपल जंप बोला जाता है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी द्वारा टेक ऑफ बोर्ड से जिस पैर से जंप लिया जाता है उसी एक पैर से लैंडिंग कहलाती है, तो टेक ऑफ बोर्ड से जिस पैर से जंप लिया गया हो उसी एक पैर से लैंडिंग करना क्या कहलाता है, हॉप कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी द्वारा हॉप करते समय प्लॉटिंग लेग कहलाएगा, तो जब खिलाड़ी हॉप कर रहा है तो उस समय प्लॉटिंग लेग कौन सा कहलाएगा, तो दोस्तों इसे प्लॉटिंग लेग कहलाएगा, जिस पैर से टेक ऑफ बोर्ड से जंप लिया गया हो उसे प्लॉटिंग लेग कहलाएगा। नेक्स्ट है, खिलाड़ी द्वारा हॉप करते समय एक पैर जमीन पर आता है तो उसे हम कहते हैं प्लॉटिंग लेग, तथा दूसरा पैर जो हवा में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्लीपिंग लेग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तिहरी कूद में पुरुषों के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र से कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 13 मीटर की दूरी पर, ठीक है, पुरुषों के लिए। एंड महिलाओं के लिए कितने दूरी पर लगाया जाता है, तो 11 मीटर की दूरी पर। ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग जंप है वो जो टेक ऑफ बोर्ड जो है वह लैंडिंग एरिया से कितनी दूरी पर रहता है, 1 मीटर की दूरी पर, जबकि ट्रिपल जंप में पुरुषों के लिए जो टेक ऑफ बोर्ड होता है लैंडिंग एरिया से 13 मीटर दूरी और महिलाओं के लिए 11 मीटर दूरी पर होता है। तो ये था ट्रिपल जंप के बारे में। अब बात करते हैं बास कूद यानी पोल वॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों पोल वॉल्ट जिसे बास कूद बोला जाता है, बास कूद यानी पोल वॉल्ट के रनवे की लंबाई कितनी होती है, तो इसमें भी होता है 40 से 45 मीटर, यानी लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड पोल वॉल्ट।
लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट, इन तीनों में जो रनवे की लंबाई होती है 40 से 45 मीटर होती है एंड हर जंप में 15 से 18 मीटर होता है। नेक्स्ट है पोल वॉल्ट यानी बांस कूद में क्रॉस बार को कम से कम कितना बढ़ाया जा सकता है, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ाया जा सकता है। वहीं पे हाई जंप में पूछेगा कितना बढ़ाया जा सकता है क्रॉस बार को, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जा सकता है हाई जंप में 2 सेंटीमीटर और पोल वॉल्ट यानी बांस कूद में 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है, तो पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई 4.5 मीटर होता है। नेक्स्ट है पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है, तो 2.25 केजी होता है, जबकि हाई जंप में क्रॉस बार का वजन 2 केजी होता है और पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन 2.25 केजी होता है। नेक्स्ट है प्लॉटिंग बॉक्स नामक उपकरण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो पोल वॉल्ट में किया जाता है। नेक्स्ट है पोल वॉल्ट का क्रॉस बार में अधिकतम कितना झूल सकता है, पोल वॉल्ट क्रॉस बार पोल वॉल्ट का जो क्रॉस बार होता है वो हवा में अधिकतम कितना झूल सकता है, तो 3 सेंटीमीटर झूल सकता है। कितना झूल सकता है, 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था, इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता दोस्तों। जैसे कि इससे पहले मैं थ्रोइंग इवेंट के चारों इवेंट के बारे में बताई हूँ और इस वीडियो में मैंने जंपिंग इवेंट के सभी इवेंट के बारे में बताया है, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।